हेलो गाइस एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ अनिया। दोस्तों आज मैं फिर से आया हुआ हूँ हरिद्वार में और आज आप लोगों को मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह लेके जाने वाला हूँ जिसका नाम है मोहन पूरी वाले। ये दुकान करीब 40 से 50 साल पुरानी है जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं 30-30 साल पुराने। तो क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं पूरियाँ बहुत ही टेस्टी सी, आलू की सब्जी, चने और आप कह सकते हैं सूखे आलू, मिर्ची का अचार वो भी थोड़ा सा ऐसे आप कह सकते हैं सरसों के तेल में बना हुआ। तो थोड़ा ओवरऑल इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। और यहाँ पर मिलती है मिठाइयाँ भी, जैसे कि हलवा सूजी वाला जिसमें पड़ी हुई है किशमिश और इलायची, और उसके अलावा मिलती है यहाँ पे बालूशाही आपकी, और वो भी स्टफ चाशनी वाली, चाशनी में डूबी हुई। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बोलते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, चलते हैं और आपको भीड़ का आलम दिखाते हैं। टेस्ट तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। देख सकते हैं जो सामने वाली भीड़ है ना, ये सारी की सारी मोहन पूरी वालों के यहाँ के लिए है। तो ये आलम होता है इनके यहाँ भीड़ का कि आपको पूरी मिलने में भी शायद 5-10 मिनट लग जाए, बट मेरी सेटिंग है, मैं छोटे से बीच में से निकल जाऊंगा। भाई आपको सारी चीज़ों के एक पास से लुक्स देता हूँ इसके, और ये ऊपर इनका बैठने का अरेंजमेंट है जहाँ पे आपको वेटिंग में लगना पड़ता है। तो क्या हैपन कि आपको 15-20 मिनट वेट करना पड़े ऊपर बैठने के लिए। गाइज ये रही हमारी बालूशाही, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और मैं अब आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ जो कि है हमारी रसगुल्ले। रसगुल्ले के बाद आते हैं हमारे मालपुए और ये हलवा। हलवे का पत्ता आपको 30 रुपये का मिलेगा प्रॉपर पत्ता जो है। और ये रही हमारी सामने पूड़ियाँ जो पत्तों में सर्व होती हैं, कचौड़ियाँ भी हैं, समोसे भी हैं, और वो बहुत सारी पूड़ियाँ यहाँ पर कंटिन्यूस चल रही है। मैं आपको एक भीड़ का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भीड़। ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे जस्ट ही नहा के आए हैं और बिल्कुल थके हुए हैं तो भूख लग जाती है। और बिल्कुल कॉर्नर पे शॉप लोकेटेड है, तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉप्स में से एक है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती है। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं पूरी का पत्ता और साथ ही साथ अपना एक टेस्टी सा हलवा। आंटी जी आप यहाँ पे कितने सालों से खाने आ रहे हैं पूरी? हम तो आते हैं, हर साल ही आते हैं, बहुत टेस्टी होती है यहाँ की। हर साल आते हैं, लाइक हर साल 2-3 बार या एक आध बारी? नहीं, दो बार भी चक्कर लग जाते हैं। दो बार भी लग जाता है करीब। तो आप वैसे बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? रुड़की पास में ही। अच्छा, रुड़की के ही रहने वाले हैं। ओके, तो लाइक अगर आप, मैं ये कहूँ कि आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है, इनका हलवा अच्छा ज्यादा लगता है या फिर ये पूड़ियाँ ज्यादा अच्छी लगती है, क्या ज्यादा? सब कुछ ही अच्छा है। सब कुछ ही अच्छा है। और मुझे तो ऐसा लगता है आप भी 30-40 सालों से यहाँ विजिट कर रहे होंगे कम से कम। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू आंटी, थैंक्स अ लॉट, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो गाइस ये हमें जो मिली है एक पत्ते में पूड़ियाँ, चार पूड़ियाँ हैं, 1, 2, 3, 4। टोटल कॉस्ट इज 80 रुपीज़। नेक्स्ट हमें मिला ये आलू की सब्जी जिसमें हमें हल्का सा मिर्ची का अचार जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एंड सूखे आलू के पीसेस डाल के दिए गए हैं। और ये 30 रुपये का टेस्टी सा हलवा। हलवा मुझे खा के चेक करना पड़ेगा, आई थिंक लग तो सूजी का रहा है। लेट्स सी किस चीज़ का है आपका हलवा। तो सबसे पहले हलवा ही टेस्ट करते हैं एक बार, पूरी सब्जी बाद में खाएंगे। सूजी का हलवा है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, मैम रख लीजिए प्लीज़। सूजी का है, मीठा बहुत डिसेंट है, हल्का सा इलायची का टेस्ट भी है और किशमिश भी पड़ी हुई है अच्छे से। मुझे हलवा बहुत अच्छा लगता है, किशमिश और इलायची वाला, वो भी सूजी का। नेक्स्ट आइटम इज़ अब पूरी। बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए मैं थोड़ा सा रश आउट कर रहा हूँ। पूरी में मुझे ऐसा लग रहा है लाइक थोड़ी सी मैदा मिलाई गई है शायद, आई डोंट नो, वो टेस्ट करने में पता लगेगा। ये पहला बाइट आ गया और ये आप देख सकते हैं खूब सारे आलू लगा के। आलू बहुत अच्छा हो रहा है, पूड़ियाँ बिल्कुल गर्म है जैसे कहना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है मेरे मुंह में शायद एक मिर्ची का बाइट आ गया जो कटा हुआ था, थोड़ा मिर्ची वाला पीस था। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 80 रुपीज़ थोड़े से ज़्यादा है, बट मे बी बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत पुरानी दुकान है। जब वो भैया 30 साल पुराने, मुझे ऐसा लगता है दुकान तो और भी ज़्यादा पुरानी होगी। एक गाइस एक बाइट आप लोगों के लिए और, क्रंची सी पूड़ी है हमने। ओ मुझे हल्का सा इसमें सरसों के तेल का फ्लेवर भी आ रहा है,
शायद वो चटकनेस गले में इसलिए लग रही है। अमेजिंग पूरी, हलवा बहुत अच्छा है। कभी हरिद्वार आते हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट करिएगा। लोकेशन लिंक मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और पहचान तो ये गंगा जी से बाहर निकली हर की पौड़ी से और जस्ट बिल्कुल कॉर्नर पे ही जगह लोकेटेड है मोहन पूरी वाले के नाम से। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।